हेलो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे लोकस। लोकस एक बहुत अच्छा फिनोमेना है जिसको हमको समझना चाहिए मैथमेटिक्स में। व्हेन अ पॉइंट इज मूव अकॉर्डिंग टू सम गिवन ज्योमेट्रिकल कंडीशन देन द पाथ ट्रेस बाय द पॉइंट इज नोन एज लोकस ऑफ द पॉइंट। कोई भी एक पॉइंट है जो ज्योमेट्रिकल कंडीशन के अंदर जाए तो उस पॉइंट को हम कहते हैं लोकस। जैसे सर्कल, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये एक फिक्स पॉइंट है। मान लीजिए ये एक फिक्स पॉइंट है और एक दूसरा पॉइंट मूवेबल है जो इस तरह से मूव करता है कि जिससे इसका डिस्टेंस हमेशा क्या रहे, इक्वल रहे। तो ये जो पॉइंट ने पाथ ट्रेस करा है इसको हम सर्कल बोलते हैं। ये सर्कल की डेफिनेशन भी हो जाती है इसमें। तो ज्योमेट्रिकल कंडीशन के अंदर, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, लोकस ऑफ द पॉइंट, और जो ये लोकस होगा वो सर्कल हो जाएगा। अब इक्वेशन ऑफ लोकस, इक्वेशन ऑफ लोकस में हम क्या करेंगे, देखे समझते हैं। मैथमेटिकल कंडीशन इम्पोज ऑन द कोऑर्डिनेट एक्स एंड वाई ऑफ एनी पॉइंट लाई ऑन द लोकस कैन बी एक्सप्रेस बाय द एल्जेब्रिक इक्वेशन। द इक्वेशन ऑफ अ लोकस इज सेटिस्फाइड बाय ईच पॉइंट ऑफ द लोकस एंड बाय नो अदर पॉइंट्स। मैथमेटिकल कंडीशन अप्लाई हो जाए, मैथमेटिकल कंडीशन अप्लाई हो जाए मतलब कोई भी मैथमेटिकल कंडीशन अप्लाई हो जाए जिसमें कोऑर्डिनेट एक्स और वाई ले लें तो उसको हम इक्वेशन ऑफ लोकस कहेंगे। जैसे मैंने आपको बताया अभी सर्कल, इसमें मैथमेटिकल कंडीशन अप्लाई हो गई। क्या अप्लाई हो गई, कि इसका डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहेगा, तो इसको हमने लोकस कहा। ओके, तो अब इस पर बेस हम एक्सरसाइज देखते हैं। ओके, एक्सरसाइज 13E, फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच रिमेन्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट फ्रॉम द पॉइंट ए ब्रैकेट 2, 3। एक ऐसा पॉइंट का लोकस हमको बताना है कि जिसका इस पॉइंट ए से जो डिस्टेंस है वो हमेशा कितना रहेगा, 5 रहेगा, 5 यूनिट ही रहेगा। हमने ऐसा कहा कि वो जो मूवेबल पॉइंट है वो एच के है, पी ब्रैकेट एच के। तो क्वेश्चन क्या कहता है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी एच के फ्रॉम पॉइंट ए ब्रैकेट 2, 3 इज 5, मतलब पी ए इज इक्वल्स टू 5। तो पी ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। पी ए स्क्वायर मतलब पी और ए के डिस्टेंस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। हमने डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया, देखिए कुछ इस तरह से, एच माइनस 2 का होली स्क्वायर के माइनस 3 का होली स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। एच स्क्वायर प्लस 4H प्लस 4 के स्क्वायर माइनस 6K प्लस 9 माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी वैल्यू आ गई किसकी, लोकस की। लेकिन अब जब हम लोकस लिखेंगे तो इस H और K को वापस काय में कन्वर्ट कर देंगे, X और Y में। तो रिक्वायर्ड लोकस इज X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर माइनस 4X माइनस 6Y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0, देखिए लिखा हुआ। तो ये हमारा लोकस हो जाएगा किसका, इस पॉइंट P का जो कि A से डिस्टेंस कितना रख रहा है, 5 यूनिट। एक और क्वेश्चन देखते हैं। A और B पॉइंट हैं, आर टू फिक्स पॉइंट, पी इज मूवेबल पॉइंट सच दैट पी ए अपॉन पी बी इज इक्वल्स टू 2:3। फाइंड द लोकस ऑफ पी, इसका मतलब यह हुआ कि उस मूवेबल पॉइंट का पी ए और पी बी से जो रेशो बनेगा वो 2:3 बनेगा। हमने फिर वो एच और के ले लिया और इस तरह से हमने स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करा। देखिए पॉइंट एच के लिया तो पी ए अपॉन पी बी इज इक्वल्स टू 2:3 स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। तो ये 9 और ये 4, तो 9A² इज इक्वल्स टू 4, 9PA² इज इक्वल्स टू 4PB². तो देखिए कितना बनेगा, 9 ब्रैकेट h माइनस 1 का होल स्क्वायर k ब्रैकेट x माइनस 9 ब्रैकेट h माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 ब्रैकेट pb, तो h माइनस 5 का स्क्वायर और k माइनस 3 का स्क्वायर, करेक्ट। अंडर रूट नहीं आएगा क्योंकि हम स्क्वायर ऑलरेडी लगा चुके हैं। इसको आपने सॉल्व करा तो और 9 से मल्टीप्लाई करा तो 9H² 9K² 9 2 18H 36K 4+1 5 9 45 4H² 4K² 40K 40H 24K 25 9 34 34 into 4 136। इस पूरी RHS को हम LHS में उठा के लाएंगे तो कुछ इस तरह से टर्म बनेगी हमारी,
5h² + 5k² - 22h - 12k - 91 = 0 और इस h और k को हम काय में चेंज कर देंगे x और y में. सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड लोकस. एक और क्वेश्चन देखते हैं हम. देखिए, फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट आर गिवन बाय x = r cos θ, y = r sin θ वेयर थीटा इज बीइंग वेरिएबल. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखिएगा. ये हमको गिवन है तो हमने बोला x/r = cos θ, y/r = sin θ. आप या तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दीजिए या सिंस वी नो दैट cos²θ + sin²θ = 1 और देखिए इस तरह से ये हमारा x² + y² = r² विच इज रिक्वायर्ड लोकस. ये हमारा क्या होगा, लोकस होगा इन पॉइंट्स का. ओके, अब इसमें एक क्वेश्चन और देखते हैं. ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, अब ज़रा ध्यान से समझना. देखें, अ रॉड ऑफ लेंथ एल रेस्ट ऑन द फ्लोर अगेंस्ट द वॉल ऑफ रूम. इफ द रॉड इज बीइंग स्लाइड ऑन द फ्लोर फाइंड द लोकस ऑफ इट्स मिडिल पॉइंट. मिडिल पॉइंट का लोकस बताना है जबकि वो रॉड स्लाइड हो रही है. तो हम जो वॉल है उसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस अज्यूम कर लेंगे. हमने क्या बोला, लेट टू परपेंडिकुलर लाइन्स आर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस और लेंथ ऑफ एल रॉड इज ए बी. हमने ये इस तरह से डायग्राम बना लिया. देखिए, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ए और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बी, तभी तो ये वॉल के अगेंस्ट में खड़ी होगी. तो सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल ए ओ बी, पाइथागोरस थ्योरम लगा दी हमने. देखिए, ये राइट एंगल ट्राइंगल ए ओ बी पाइथागोरस थ्योरम लगा दी. अब इसके मिडिल पॉइंट की बात हो रही है. हमने बोला यहाँ एक कोई पॉइंट पी है x, y, ये मिडिल पॉइंट किसका, इस ए बी का. तो मिडिल पॉइंट है मतलब क्या बनेगा, देखिएगा, 0 + a/2 = x और 0 + b/2 = y. ये लिखा हुआ a + 0/2 = x और 0 + b/2 = y, करेक्ट. a की वैल्यू 2x और b की वैल्यू 2y. हम इसको इक्वेशन वन में प्लेस कर देंगे कुछ इस तरह से, 4x² + 4y² = l² 4 कॉमन लेके हमने डिनोमिनेटर में भेजा, x² + y² = l² / 4 और ये हमारा फाइनल आंसर.